रामनवमी महापर्व को लेकर नवाजयपुर थाने के अंतर्गत पांच पंचायत से विशाल जुलूस और शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों में विशेष उत्साह देखा गया। शोभा यात्रा और जुलूस में जमकर राम भक्त थिरकते नजर आए। साथ ही पाटन प्रखंड में रामनवमी की धूम देखी गई। इसी क्रम में नावा अखड़ा, गड़क टोला नावा, साथ ही महुलिया, कशवा खाड़, जयपुर, कतरी, टुइया, तीसीबा सहित कई गांव से भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। जुलूस का मिलन महावीर चौक बघैया मोड़ पर हुआ, जहां पर महावीर चौक बघैया मोड़ रामनवमी महाकमेटी के द्वारा जुलूस और शोभा यात्रा लेकर आए हुए सभी कमेटी के अध्यक्षों को पुरस्कार और अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। जुलूस का नेतृत्व कमेटी के अध्यक्ष राम प्रवेश सिंह, सचिव मिथिलेश चंद्रवंशी, कोषाध्यक्ष अजय यादव कर रहे थे। जुलूस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जिला परिषद प्रतिनिधि नंद यादव, नावा खास पंचायत के मुखिया मनोज कुमार, पूर्व मुखिया चंद्रदेव सिंह, जगदीश पांडे, जगदीश बक्सियाय, कशवाखाड़ मुखिया प्रतिनिधि हरेंद्र सिंह शामिल हुए। तो वहीं शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नवाजयपुर थाना प्रभारी कमल किशोर पांडे के साथ जिला दंडाधिकारी BFT ब्रजेश कुमार, विनोद यादव पूरे जुलूस और शोभा यात्रा का संरक्षण करते हुए नजर आए। रामाशीष कुमार की पलामू से रिपोर्ट। राम को समझने का कोशिश लोग करें कि भगवान राम क्या थे। अगर और जानना चाहते हैं तो थोड़ा सुन, दो मिनट और समय दीजिए। श्री राम त्याग की मूर्ति हैं। जब उनको वनवास हुआ तो घर से निकल गए, सुमंत महाराज छोड़ने गए सरयू नदी तक, और भरत जी ननिहाल में थे, उनको लाने के लिए गया। लोग आए तो घर में देखे कि मातम छाया हुआ है, क्योंकि जैसे ही श्री राम निकलते हैं घर से और राजा दशरथ जी का प्राण चला जाता है, और श्री राम को मनाने के लिए गांववासी और भरत जी भी गए हैं, लेकिन बोले कि नहीं, मेरा ही समझकर तुम जाओ राजगद्दी पर राज करो और जनता की भलाई के लिए काम करते रहो। और भरत जी ने पादुका लाकर सिंहासन को आसन बनाकर और राज किया, और शत्रुघ्न जी जनता के भलाई के लिए सेनापति के रूप में काम करते रहे। लेकिन आज हम देखते हैं कि समाज में भाई भाई में प्रेम नहीं है, बहुत दुख की बात है। हम लोग जहां पर रहते हैं हाउसिंग कॉलोनी में दो भाई रहते थे, एक भाई बड़ा भाई छोटा भाई को हत्या कर दिया सिर्फ एक कथा जमीन के लिए, और श्री राम क्या थे, त्याग दिया। और भरत जी सिंहासन पर तभी नहीं बैठे, उनका चरण पादुका को रह कर राज किया। और मैं यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा थोड़ा बात खातिर आपस में मत लड़िए, लड़ने के बाद देखते हैं ना ये बड़ा बाबू पकड़ के ले जाएंगे, केस कर देंगे, हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो धर्म का पालन कीजिए, संविधान का पालन कीजिए, और भगवान के नाम लेते रहिए, और भगवान उसी को मिलता है। निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। जिसका निर्मल मन होता है उसी के पास भगवान आते हैं। गंदा कोई पसंद नहीं करता है, जब हम लोग पसंद नहीं करते हैं तो भगवान श्री राम कैसे गंदे लोग को पसंद करेंगे। इसलिए मन को पवित्र रखिए। बहुत खुशी की बात है कि शांतिपूर्वक जुलूस को मनाया गया, और इसी तरह से हम चाहेंगे कि समाज में शांति बना रहे, कानून और धर्म का पालन करते रहें, और धर्म और कानून का पालन जो करेगा वो कभी दुख नहीं उठाएगा। अपील यही है कि शांति बनाए रखिए, दिल में दिल मिला के चलिए। जैसे हम लोग लगभग 20-25 गांव के लोग जुटे, और जिस तरह से जुटे उसी तरह से दिल भी जुटना चाहिए, और किसी को बुराई ना करें,